विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो कल हमने कक्षा 10 की क्लासेज भी स्टार्ट कर दी, तो उसमें हमने गणित का चैप्टर पढ़ा था, पहला ही वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में हमने प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो कि प्रश्नावली पिछले साल हमने कक्षा 9 में पढ़ी, उसी का ही वापस क्या हो रहा है, रिविज़न हो रहा है। तो इन सब में हमने योग करना, व्यकलन करना, और कल अपना टॉपिक चल रहा था लास्ट जो था कि गुणा करना, गुणा अलग अलग विधि। जैसे कल हमने सूत्र एकाधिकन पूर्ण से गुणा हमने कर लिया था, तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको कि आपको किस विधि से गुणा करना है, सूत्र निखिलम विधि से गुणा करना है। तो सूत्र निखिलम विधि हमने पिछले साल भी पढ़ी थी कि दो संख्याओं का सूत्र निखिलम विधि से गुणा करने का तरीका क्या होता है, कि उसमें हम लेते हैं दो पक्ष लेते हैं, बाया पक्ष और दाया पक्ष। अब बाएं पक्ष में हम क्या लिखते हैं, उपाधार अंक इनटू कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, और इधर क्या लिखते हैं, विचलनों का गुणा। अब देखिए, अब यहां पे एक चीज मैं आपको और ये भी बता देता हूं कि ये जो दायां पक्ष है, इस दायां पक्ष में कितने अंक आपको रखना है। जैसे सूत्र निकले में हमने क्या कहा था कि आधार के बेस पर, कि आधार में जितने शून्य होते हैं उसके दुगुने अंक रखने होते हैं दायां पक्ष में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियम ये है कि आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको क्या रखने हैं, दायां पक्ष में रखने हैं। अब यहाँ पे ये सूत्र में देख लीजिए, उपाधार अंक इंटू कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या विचलन और दायां पक्ष में विचलनों का गुणा। तो अब ध्यान से देखना, आप अपनी संख्याएं कौन कौन सी है, 54 और 56, इन दोनों का आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये आपने लिया 54 और ये आपने लिया 56। अब देखिए, 54 के लिए विचलन क्या हो जाएगा 4 और 56 के लिए विचलन क्या हो जाएगा 6। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे जो अपना मूल आधार है वो क्या है, 10। आधार क्या है, 10। अब देखिए, अब आधार 10 है, उपाधार अंक क्या है वो देखिए, क्योंकि हम 10 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 5 है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा। अब देखिए 10 इंटू 5 क्या हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे ये 50 आपके लिए क्या बन गया, आधार बन गया। अब विचलन कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस आधार, 54 माइनस 50 4, तो आ गया विचलन। यहाँ पे 56 माइनस 50 तो क्या हो गया, 6, तो ये प्लस 6 क्या बन गया, विचलन बन गया। आगे बात समझे, तो मूल आधार जो यहाँ पे वो आपका क्या है, 10 है, और उसके बाद में 10 को 5 से गुणा किया तो आपके पास संख्या आई 50। तो यहाँ पे ये बन गया 50 आधार, और 54 क्या बन गया, आपकी संख्या बन गई। तो संख्या माइनस आधार क्या बन गया, आपका विचलन। तो यहाँ से आपने ये विचलन निकाल लिया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे आधार क्या है, आधार आपका है 10 और उप आधार अंक ये आपका बन गया 5। अब गुणा करने का तरीका वही सेम है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। अब बायां पक्ष में क्या है, उपाधार अंक इंटू एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, जो सूत्र है वापिस वो सूत्र आपको इसमें रखना है। दायें पक्ष में विचलनों का गुणा, आगे बात समझे, तो इनका गुणा क्या बन जाएगा, देख लीजिए उपाधार अंक क्या है, 5। अब आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए, 54 लोगे तो दूसरी संख्या का विचलन 54 प्लस 6 करना पड़ेगा, 56 लोगे तो दूसरी संख्या का विचलन क्या हो गया, 4, तो 56 प्लस 4 करना पड़ेगा। तो कोई एक संख्या आपने जैसे ले ली 54 प्लस दूसरी संख्या का विचलन क्या है, 6, और इधर विचलन और गुणा यानी 4 × 6, सिंपल। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, 5 × 60, और इधर क्या हो गया, 24। तो यहां पे क्या हो गया, ये 324। अब देखिए, हमने क्या कहा था कि दाएं पक्ष में आपको कितने अंक रखने हैं, जितने आधार में शून्य हो। तो आधार क्या है, 10, कितने शून्य है, 1 शून्य। तो ये जो दायां पक्ष है आपका, इसमें केवल एक अंक रखना है आपको। तो ये जो 2 है आपका, वो इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको बाएं पक्ष में ले जाके क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए।
तो ये क्या बन जाएगा, 302 4। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 3024। तो ये आपका आ गया आंसर, 54 × 56 = कितना आया, 3024। कौन सी विधि से है ये, सूत्र निखिलम विधि से। तो आपको कुछ नियम है वो इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, जैसे सूत्र एकाधिकरण पूर्ण में दाएं पक्ष में कितने अंक रखने, जितने आधार में शून्य होते हैं उसके डबल। और सूत्र निखिलम में क्या होता है कि जितने आधार में शून्य है उतने ही अंक क्या रखने हैं, दाएं पक्ष में रखने हैं। तो ये सूत्र निखिलम से क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सूत्र सूत्र निखिलम से ही है। चलिए हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका किससे गुणा करना है आपको, 108 × 112, 108 × 112 यानी 108 को 112 से गुणा करना है। चलिए 108, 112, विचलन क्या हो जाएगा इसका, प्लस का 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आधार, अब आधार यहां पे हम क्या लेंगे, 100, विचलन प्लस 8 तथा प्लस 12, ये दोनों चीजें लिख दी हमने। अब क्या करना है, पूरा क्वेश्चन आपको पूरी विधि से ही करना है, हर बार हर क्वेश्चन में आपको बायां पक्ष दायां पक्ष बायां उसमें फिर जो सूत्र है वो लिखना है, फिर आपको वैल्यू रखनी है और आपको मान निकालना अगर पूरे नंबर आपको चाहिए। सीधा नहीं है कि सीधा ही इधर एक आपने कर दिया 108 + 12 और इधर 8 × 12 और फिर सीधा कर दिया, आपको पूरा सूत्र लिख के ही क्वेश्चन को हल करना है। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष, क्लियर। अब आपको लिखना है सूत्र, सूत्र क्या है, बायां पक्ष में क्या आएगा, उपाधार अंक इंटू कोई एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, और इधर विचलनों का गुणा। अब देखिए यहां पे उपाधार अंक क्या है, क्योंकि आधार 100 है, 100 के बेस पर ले रहे हैं, तो उपाधार अंक क्या है, 1 है, तो वो भी आप लिख दीजिए, उपाधार अंक क्या है, 1। तो 1 इंटू कोई भी एक संख्या आपने ले ली 108 प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, 12, और इधर विचलनों का गुणा 8 × 12, तो ये क्या हो गया, 12 और 8 20, 120, और इधर 12 × 96। अब देखिए हमने क्या कहा था, दाएं पक्ष में उतने ही अंक होने चाहिए जितने की आधार में शून्य होने चाहिए, यहाँ आधार में कितने शून्य है, 2 शून्य है, इधर दाएं पक्ष में अंक भी कितने हैं, 2 है, तो क्लियर, जो अपना ये आ रहा है बिल्कुल सही है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 120 96, ये आपका आंसर आ गया 108 × 112 का, कौन सी विधि से, सूत्र निखिलम विधि से गुणा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है, वापिस रिविजन ही हो रहा है पिछले साल का ही, तो सारी चीजें मैं आपको साथ में बताता रहूंगा और इन क्वेश्चन को भी हल करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है वो देख लीजिए, यहां पर भी आपको गुणा ही करना है, 137 × 9999, सूत्र एक न्यून पूर्वेण से। अब देखिए सूत्र एक न्यून पूर्वेण कब काम में आता है, सूत्र एक न्यून पूर्वेण से गुणा तभी करते हम जब दो संख्याओं में से कोई एक संख्या का प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए, 9 9 9 होता है, तो यहाँ पे कौन सी विधि काम आती है, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण काम में आती है। अब इसका गुणा करते कैसे हैं, अब ध्यान से देखना, यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस संख्या में 9 9 9 होता है उसको हम बोलते हैं गुणक, और दूसरी संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, गुणीय, क्या बोलते हैं, गुणीय, गुणीय 137 गुणीय, और जो 9 9 9 9999 इसको क्या बोलेंगे, गुणक बोलेंगे। और इसको भी हल करने का तरीका, इसमें भी हम क्या लेते हैं, दो पक्ष लेते हैं,
बायां पक्ष और दायां पक्ष, आगे बात समझो। बायां पक्ष में क्या लिखते हैं हम, गुणीय माइनस वन, आगे बात समझो। और दायां पक्ष में गुणक माइनस गुणीय माइनस वन, आगे बात समझो। और फिर इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखना, अब हम इसको करेंगे हल। तो आंसर, तो हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, आगे बात समझ में। आप लिख सकते हो यहां पे गुणीय क्या है 137 और गुणक क्या है 9999। तो बायां पक्ष में आपको क्या करना है, गुणीय माइनस वन और इधर गुणक माइनस गुणीय माइनस वन। तो गुणे कितना है 137 माइनस वन, और इधर गुण क्या है 9999 माइनस 137 माइनस वन, कितना बन गया ये 136। और इधर ये क्या हो गया 9999 माइनस 136, तो ये बन गया 136। हाँ, अब 9 में से आप क्या निकालोगे, 6 निकालोगे, कितना बचेगा 3। 9 में से 3 निकालोगे 6, 9 में से 1 निकालोगे 8, और ये क्या बच गया 9। आगे बात समझ में, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 1369863, ये आपका इसका आ गया फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 46 × 99 सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आंसर, तो आप लिख दीजिए यहां गुणक क्या है 99 और गुणीय क्या है 46। अब आप क्या करोगे, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, आगे बात समझ में। तो सूत्र क्या है, बायां पक्ष में हम क्या लिखते हैं, गुणीय माइनस वन, और दायां पक्ष में गुणक माइनस गुणीय माइनस वन, आगे बात समझ में। अब गुणे कितना है आपका 46 माइनस वन, और इधर गुणक क्या है 99 माइनस 46 माइनस वन, 46 माइनस वन 45, 99 माइनस 45, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 4554। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 10। आगे बात समझ में, 45 × 54। अब ध्यान देना, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण में तीन चीजें होती है, देखना, गुणे छोटा है गुणक, गुणे बराबर गुणक, गुणे बड़ा है गुणक। ध्यान देना, अब देखिए गुणे छोटा गुणक, तो हमने क्वेश्चन नंबर जो 9 किया था उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 किया था आपका 137 × 9999। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुणक क्या है, बड़ा है गुणे से, गुणे छोटा, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। और गुणे बराबर गुणक देख लीजिए 46 99, गुणे बराबर, इसका मतलब क्या है कि उसमें अंकों की संख्या से, यहाँ पे हम इसका मतलब क्या ले रहे हैं, अंकों की संख्या, छोटा मोटा ऐसे नहीं कि 9999 बड़ा है 137 से, वो चीज नहीं, किससे ले रहे, अंक से, के इसमें गुणक में अंकों की संख्या ज्यादा है गुणे से, आगे बात समझ में। और यहाँ पे गुणक में अंकों की संख्या बराबर है गुणे के। और तीसरी जो कंडीशन है वो है कि गुणे बड़ा है किससे, गुणक से, यानी गुणे में अंकों की संख्या ज्यादा है किससे, गुणक से। तो वो टाइप का क्वेश्चन आपने यहाँ पर है नहीं, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो दो कंडीशन के तो हमने कर लिए, गुणे छोटा गुणक, गुणे बराबर गुणक, अब देखते हैं गुणे बड़ा है गुणक से, तो वो टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो जैसे यहां पे आप रख लीजिए 5 और 3, देख लीजिए, अब देख लीजिए यहां पे गुणे बड़ा है गुणक से, तो इसको कैसे करते हैं, वही कंडीशन, बायां पक्ष जैसे हम चलते हैं वैसे दायां पक्ष, और बायां पक्ष में हम क्या लिखेंगे, गुणे माइनस वन, और इधर गुणक
माइनस गुणे माइनस वन। चलिए अब आपका गुणे क्या है 543 माइनस वन और इधर 99 माइनस 543 माइनस वन तो कितना हो गया 542 और इधर 99 माइनस 542। आगे बात समझ में। अब ध्यान देना यहां पे देखना, अब 99 में से 542 घटाएंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो फिर उसको बीच में नेगेटिव ऐसे थोड़ी लिखेंगे। तो इसको करने का तरीका दो तरीके है। एक तो सीधा ही तरीका है कि आपको क्या करना है, ये इधर वाला पक्ष बाई पक्ष में क्या है 542 और इस 99 को इसके साथ में लिख लीजिए और इसमें से क्या कर लीजिए 542 घटा लीजिए, क्या कर लीजिए 542 घटा लीजिए। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7, 3, 5, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 53757। एक तो तरीका कौन सा, ये। अब आप सीधा क्या करोगे 542 99 माइनस 542 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 53757। एक तो ये वाला तरीका 53757। अब इसका दूसरा तरीका काम तक हम यहां पर आ गए, ये वाला यहां तक है, तो यहां पे मैं वापस लिख देता हूं 542 और इधर क्या है 99 माइनस 542। अब आपको करना क्या है देखना, आपको करना क्या है इधर से आपको अंक इधर भेजने हैं। आगे बात, इधर से जब मैं 1 भेजूंगा तो वो इधर जाके किसके बराबर होगा 100 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 100 के बराबर, क्योंकि गुणक जो है 99 तो यहां पे आधार हम क्या ले रहे 100, तो इधर मैं 1 को भेजूंगा तो वो 100 के बराबर हो जाएगा। आगे बात सुन, तो 1 को भेजूंगा इधर तो क्या हो जाएगा 100, 100 प्लस 99 कितना हो गया 199। आ रही बात समझ, तो इधर से मैं कितने अंक भेजूं 5 अंक मैं इधर से भेज देता हूं प्लस 5 इधर ऐड कर देता हूं, तो 5 इधर से क्या करना पड़ेगा आपको घटाना पड़ेगा, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 537 और इधर 5 भेज दिया तो क्या हो गया 599, क्योंकि इधर हमने प्लस 5 भेजे तो प्लस 5 यानी कितने 500 हमने भेज दिए, तो 500 और ये 99 599 माइनस ये क्या हो गया 542, तो देख लीजिए 537 और 599 9 में से 2 7, 9 में से 4 5 और क्लियर बिल्कुल सही है, इतना हो गया 57 और यहाँ पे ये 537 और बिल्कुल सही है 57। आगे बात समझ में, तो ये आपको इस प्रकार गुणा करना है, क्लियर। तो ये हो गया 543 का 99 में से गुणा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, गुणे करना है लेकिन विधि कौन सी हम काम में लेंगे, सूत्र उधर्वे त्रिकपा। तो 362 इंटू 143 कौन सी विधि से, सूत्र उधर्वे तिर्यक व्याप। अब इस विधि से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो पिछले साल हमने ये विधि पढ़ी थी 362 इंटू 143, तो इसका गुणा कैसे करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अलग अलग खंड बनाएंगे, अलग अलग खंड बनाएंगे और इनके क्या निकालेंगे, द्वंद निकालेंगे। तो कैसे, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आप जितने बनेंगे वो देख लेंगे। तो सबसे पहले इस वाले खंड में हम क्या रखेंगे, ये वाला खंड, इसमें क्या करेंगे 2 का 3 से, यानी कि 2 × 3 ये वाला आएगा। आगे बात समझ में, और इस वाले खंड में फिर ऐसे आपको बढ़ना है। अब कौन से लेंगे 62 और 43, 62 और 43 इसका गुणा ये क्रॉस विधि से होगा, कौन सी विधि से, क्रॉस। अब फिर तीसरे में कंटिन्यू ये तीनों को लेना है 362 और 143, इसका गुणा क्रॉस विधि, इसका इससे और इसका इससे। फिर अगले खंड में कौन सा लेंगे 6, 3 और 4, 1 36 और 14 और इसका क्रॉस गुणा ऐसे, और फिर लास्ट खंड में 3 × 1 और इसका सीधा सिंपली ऐसे गुणा होगा।
तो ये होता है उधर्वे त्रिक भ्राम से गुणा करने का तरीका। आपको अलग अलग क्या करना है, द्वंद इधर से दाएं से लेना है आपको, सॉरी इधर 21 से लेना है, 2 3 लिया ये एक द्वंद हो गया, फिर कंटिन्यू दो को लेना है, फिर दो को साथ में लेना है, दो दो को साथ में लिया, फिर तीनों को साथ में लेना, फिर इधर से घटते क्रम में यानी कि इनको दो को हटा देना, तीन को हटा देना, फिर 6 3 4 1, फिर इसको हटाए 3 1, लास्ट वाला ये। अगली बात समझ, आप इधर से ऐसे करना चाहो तो सबसे पहले 3 1, फिर 36 14 ये वाला द्वंद बनेगा, फिर 362 143, फिर घटते क्रम में 62 43, फिर 2 3 ये वाला द्वंद बन गया। अब इसको गुणा करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। तो यहां पे हम 1 2 3 4 5, तो अब सबसे पहले 3 1 इसका गुणा होगा, फिर 3 6 1 4 और इनका गुणा करने का तरीका क्या है क्रॉस गुणा, फिर 3 6 2 1 4 3 ये क्रॉस गुणे होंगे, फिर 6 2 और 4 3 क्रॉस गुणा, और फिर 2 3 सीधा गुणा। अगली बात समझ में, अब 3 का 1 से गुणा 3 और इसका नियम क्या है, इनको क्रॉस गुणा करके फिर क्या करना है ऐड करना है जोड़ना है, तो 4 × 3 = 12 + 6 और इनको क्रॉस गुणा करके क्या करना है जोड़ना है, 3 × 3 = 9 + 6 × 4 = 24 + 2 × 1 = 2 6 × 3 = 18 + 4 × 2 = 8 2 × 3 = 6 3 12 6 18 और 24 25 26 9 35 18 और 8 26 और 6 और फाइनली जो आंसर है इसका हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 लिख दिया हमने, क्लियर, यहाँ वाला ये 6 यहाँ पे आएगा और ये वाला 2 आगे क्या होगा ऐड होगा, आगे क्या करना ऐड करना है, तो 5 और 2 क्या हो गया 7, ये वाला 7 यहाँ पे आ गया, फिर 3 आगे ऐड होगा 8 और 3 11 11 का हासिल की एक वो इसमें ऐड होगा 2 और ये 2 आगे इसमें ऐड होगा 2 और 3 5 तो कितना आ जाएगा 51766 कितना आ जाएगा 51766। तो ये है सूत्र उधर्वे त्रिक भ्राम से गुणा करने का तरीका। आपको कुछ नहीं करना है, खंड बनाना है और उसके अंदर अलग अलग द्वंद, द्वंद किस प्रकार से लेंगे आप, द्वंद आपको इधर से लेने हैं क्रम से, आपको पहले 1 फिर क्रमागत 2 फिर क्रमागत 3 फिर घटते क्रम में 2 फिर 1 इस प्रकार आपको चलना है। तो ये 362 143 कितना आएगा 51766। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है थोड़ा बड़ा है, अभी आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि 24 13 24 13 × 31 24 31 24 इसका आपको क्या करना है गुणा करना है। तो ये रहा 24 13 और गुणा करना है 31 24 कौन सी विधि से, उधर्वे त्रिक भ्राम विधि से। तो आपको क्या करना है अलग अलग खंड बनाना है, इस खंड में क्या आएगा 3 × 4 अब इस वाले खंड में 1 3 और 2 4 और इनका गुणा क्रॉस और फिर 4 1 3 और 1 2 4 इनका गुणा करने का तरीका ये और फिर अगले खंड में 2 4 1 3 3 1 2 4 इनका गुणा करने का तरीका क्या है, इसका इससे गुणा होगा 2 का 4 से गुणा होगा फिर 1 का 1 से होगा और 4 का 2 से होगा फिर अगले खंड में अब पूरे आगे अब क्रमागत क्या करना है इधर से लेना है यानी अब ये अगले पीछे वाले क्या हटते जाएंगे और आगे वाले आते जाएंगे 2 4 1 3 1 2 और इनका क्रम से ऐसे गुणा करना है फिर अगला खंड 2 4 3 1 और इनको ऐसे गुणा करना है और फिर लास्ट वाला 2 3 ये बन गया आपका। तो ये इस प्रकार आपको खंड बनाने हैं। तो अब हाँ 3 × 4 = 12 4 3 × 6 = 6 4 = 10 और 4 × 16 + 3 = 19 + 2 = 21
और ये 3 3 9, 4 2 8, 9 8 17, 4 2 8, 17 और 8 25, 25 प्लस 1 26, 2 2 4 3 7, और 7 4 11, और फिर ये 4 3 12, 12 और 2 14, और फिर ये 3 9 6, ये आपका आ गया। क्लियर? तो आप चाहो तो अलग अलग लिख सकते हो। ये पहला खंड क्या होगा? 3 4, अगली बार में तो पहले खंड में क्या आएगा? 12। दूसरा खंड क्या होगा? 1 3 2 4, तो 4 प्लस 6 कितना आएगा? 10। तीसरा खंड 4 1 3 1 2 4, और गुणा करने का तरीका ये, तो 4 चौक 16 प्लस 3 प्लस 2, 16 और 3 19 20 21। चौथा खंड 2 4 1 3 और 3 1 2 4, क्रॉस गुणा इस प्रकार, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो 4 2 8 प्लस 3 3 9 प्लस 4 2 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 16 17 और 9 26, कितना आ जाएगा? 26। अगला खंड 2 4 1, यानी पांचवा खंड 2 4 1 3 1 2, गुणा करने का तरीका ये रहा, 2 2 4 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 4 11। अगला खंड 6, 2 4 3 1, गुणा करने का तरीका क्रॉस, 2 प्लस 4 3 12, कितना आएगा? 14। और फाइनल ये खंड 2 3, गुणा करने का तरीका सीधा 6। सारे खंड आ गए। अब आप क्या करोगे? ये 2 आएगा सीधा यहां पे, और ये 1 आगे ऐड होगा, तो कितना हो गया? 11। तो 11 का 1 यहां पे आएगा, और ये 1 आगे ऐड होगा, कितना हो गया? 22। 22 का 2 यहां पे आएगा, और ये 2 आगे ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 28। 28 का 8 यहां पे आएगा, और ये 2 आगे ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 11 2 13। 13 का 3 यहां पे आएगा, और ये 1 आगे ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। 15 का 5 यहां पे आएगा, और ये 1 आगे ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 75 38 212, 75 38 212, ये इसका आ गया उदरवितरीय विधि से गुणा। तो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड है नहीं। तो ये हो गए गुणा जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, 9वीं कक्षा में। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भाग दीजिए निखिलम विधि से। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 111 034, 111 034 में भाग देना है 800 गुण 90 का, विधि कौन सी है? सूत्र निखिलम। अब देखिए, सूत्र निखिलम विधि से भाग हम कब करते हैं? जब ये होता भाज्य भाजक, जब भाजक क्या होता है? आधार से छोटा होता है, यानी आधार हम नॉर्मली क्या लेते हैं? 10 100 1000, तो उनसे छोटा, जैसे 97 का भाग देना है, मान लीजिए 800 गुण 90 का भाग देना है, तो यहाँ पे जो भाजक है आपका वो क्या है? आधार से छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं? सूत्र निखिलम विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सूत्र निखिलम विधि काम में लेने पर हम करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? पूरक संख्या निकालनी है। किसकी? भाजक की। यहां पे भाजक क्या है आपका? 800 गुण 90। आगे बात समझ, पूरक संख्या किससे निकालते हैं? आधार और संख्या, ये 800 गुण 90 है। अब दूसरा तरीका इसका ये है कि हमने देखा था कि परम मित्र अंक क्या होता है, कि परम मित्र अंक आधार अगर 10 है तो दो संख्या योग अगर 10 है तो एक दूसरे की क्या कहलाती है? परम मित्र अंक कहलाती है। अगर आधार 100 है तो दो संख्या का योग अगर 100 है तो वे एक दूसरे क्या कहलाएगी? परम मित्र अंक कहलाएगी। अगर आधार 1000 है तो दो संख्या का योग अगर 1000 है तो वे एक दूसरे की क्या कहलाएगी? परम मित्र अंक। तो यहाँ पे परम मित्र अंक हो चाहे पूरक अंक हो,
यानी कि पूरक संख्या, तो 890 यहाँ पे बेसिक आधार क्या है आपका 1000 है, तो इसके संगत इसकी पूरक संख्या क्या होगी, 890 में क्या ऐड करते हैं 111 ऐड करेंगे तभी क्या आएगा 1000 आएगा, या फिर आधार माइनस जो भी संख्या 890 तो आपकी क्या आ जाएगी पूरक संख्या आ जाएगी, तो पूरक संख्या यहाँ पे क्या है 111। अब इसको करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए, आपको करना क्या है तीन खंड बनाने, कितने खंड बनाने हैं तीन खंड बनाने, एक दो तीन, या फिर आप ऐसे देख सकते हो एक दो तीन, ये तीन खंड बन गए। अब सबसे पहले प्रथम खंड, प्रथम खंड और ये मध्य खंड और ये तृतीय खंड, आप इसको द्वितीय खंड भी बोल सकते हैं। प्रथम खंड में आपको क्या करना है, ये भाजक आपने लिखा 890, क्लियर, और इसके नीचे क्या लिखना है पूरक संख्या कितनी है 111, पूरक संख्या क्या है 111। अब तृतीय खंड में क्या करना है आपको कि जितने आधार में शून्य है उतने अंक आपको क्या रखने हैं तृतीय खंड में रखें, यहाँ पे बेसिक आधार पे किस पे ले रहे हैं हम, आप 1000 ले रहे हो, कितने शून्य है 3 शून्य है, आगे बात सुन, या फिर कहने का मतलब ये है कि जो भाजक में कितने अंक है उतने आप इसके क्या कर दीजिए 12 दीजिए, आगे बात सुन, या नॉर्मली कि जो आपका आधार यहाँ पे 1000 पे ले रहे हैं 1000 के बेस है तो 1000 में कितने शून्य होते हैं 3 शून्य होते हैं, उन 3 अंकों को लास्ट में आपको रखना है 12, तो मध्य अंक में 111 और बाकी 034 ये इधर आ जाएंगे बाहर, आगे बात समझ। अब इसका प्रोसेस क्या है, करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है ये जो वन है इसको सीधा आपको यहां पे रख देना है, आगे बात समझ, ये वन आपने सीधा यहां पे रख दिया। अब अगला कार्य क्या होगा कि इस वन को आपको 111 यानी पूरक संख्या से क्या करना है गुणा करना है और उसको फिर आगे यहां पे रखना है, तो 1 को 111 से गुणा करेंगे तो वापस क्या है 111, वो इस प्रकार रखना 111 रख दिया। अब अगला स्टेप क्या है आपको दूसरा वाला ये स्तंभ है इसको यहाँ पे जोड़ के रख देना, तो 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 2, 1 प्लस 1 क्या होता है आपका 2। अब फिर क्या करना है आपको, जैसे पहले हमने 1 से गुणा किया इसको, फिर अब ये जो 2 है भागफल में क्या आया 2, इस भागफल को आपको इससे क्या करना है गुणा करना है पूरक संख्या, तो 111 का जब 2 से गुणा कर क्या आएगा 222, फिर उसको आपको रखना है यहाँ पे 222, आगे बात सुन, फिर अगला स्टेप इस तीसरे स्तंभ को यहाँ पे जोड़ के रखना है, तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, ये 4 आपने यहाँ पे रख दिया और फिर 4 को इससे गुणा करवाना है, तो 4 को इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आएगा 4 4 4, आगे बात सुन, तो ये अपना आ गया भागफल और इस तरफ जो आएगा वो आपका क्या आएगा शेषफल आएगा, तो शेषफल 4 प्लस 4 इनको क्या करना है एड कर देना, 4 प्लस 4 8, 4 2 6 3 9, 4 2 6 और 1 7, तो मध्य खंड में आपका क्या आएगा भाग फल और इस वाले खंड में आपका क्या आएगा शेष फल और इधर ये आपका क्या है भाजक और ये पूरा आपका क्या है भाज्य यानी जिसमें हमको भाग देना है, तो विधि समझ में आई आपको, तो ये आपका भागफल, अतः भागफल आपका कितना आया 124 और शेषफल आपका कितना आया 798। सूत्र निकलम विधि से हमने पिछले साल भी क्वेश्चन किए थे, तो भागफल 124 और शेषफल आपका कितना आ गया 798। तो आई बात समझ में, तो ये क्वेश्चन और करते हैं फिर वहां पे पता चलेगा आपको, तो अगला क्वेश्चन इसका और देख लीजिए, वही है सूत्र निकलम से करना है, तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन है 39:54 में, इसमें आपको भाग देना है किसका 97 का भाग देना है, इसका देना है 97 का, यहाँ पे देखिए संख्या क्या है आपकी, या सॉरी संख्या क्या आपका जो भाजक है, भाजक क्या है 97, पूरक संख्या या 97 का परमित अंक। अब देखना यहाँ पे जो आपका बेस है आधार, आधार क्या है आपका 100 पे ले रहे हैं, देखिए भाजक 97 है तो इसकी पूरक संख्या किसके आधार पर लेंगे 100 के आधार पर लेंगे, तो इसकी पूरक संख्या क्या हो जाएगी आपकी 03, कितनी हो जाएगी 3, 97 प्लस 3 क्या होता है 100 होता है, तो 03। अब करना क्या है आपको प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड,
अभी बात समझ में। अब सिंपली इधर क्या रखना है आपको, 97, जो कि क्या है आपका भाजक, और यहां पे क्या रखेंगे 03, जो कि क्या है आपकी पूरक संख्या। और तृतीय खंड में कितने अंक रखेंगे, अब आधार 100 पे है तो 2 शून्य है, तो इधर 2 अंक रखने हैं, बाकी के मध्य में आएगा, यानी कि 39 मध्य में आएगा और 94 इधर आएगा। क्लियर? अब वही तरीका, सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, इस 3 को आपको सीधे यहां पे रखना है। आगे बात समझ, 3 को सीधा यहां पे रखा, अब ये आपका भागफल का पहला अंक आ गया 3। अब इस 3 को आपको क्या करना है, 03 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 03 से। अब ध्यान देना, जो पूरक संख्या होगी आपकी, जो पूरक संख्या होगी उसमें अंक कितने होने चाहिए। अब देखिए यहां पे सीधा मैं ऐसे भी तो लिख सकता 3, क्योंकि आपने कहा 97 प्लस 3 क्या हो गया, 100 हो गया, तो 3 क्या है, पूरक संख्या है। और फिर 3 को 3 से आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, क्या आ गया, 9 आ गया, वो सीधा 9 आपने यहां पे रख दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से देखो, आधार 100 है, 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो पूरक संख्या में अंक भी कितने रखने हैं, 2 रखने हैं। अब पूरक संख्या है क्या 3, तो 2 अंक नहीं हुए, तो आपने क्या कर दिया, 03, 03 भी तो क्या है, 3 ही है। आगे बात समझ में, तो ये चीज यहां पे ऐसे ली। आगे बात, अब इसको गुणा करना है, तो गुणा करने का तरीका, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। आगे बात समझ, 3 3 9 0, यानी अब जो अंक रखोगे आप क्या रखोगे, 09, क्या रखोगे, 0 रो, यानी कि इस भागफल को पूरक संख्या से गुणा करोगे तो आपको इस प्रकार रखना है। आगे बात समझ। अब अगला स्टेप क्या है, 9 को आपको यहां पे उतार देना है, 9 को यहां पे उतार देना है। अब ये आ गया 9, अब 9 को आपको क्या करना है, इससे गुणा करना है, यानी कि इसको इससे गुणा करने पर अंक कितने रहने चाहिए, 2 ही अंक रहने चाहिए। देखिए 09, हालांकि है क्या ये 9 है, लेकिन 2 अंक रहने तो क्या हो गया, 09। अब यहां पे देखना, 9 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 9 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 27। तो आपको ऐसे नहीं लिखना कि 027, 027, यानी कि 027, 027, इस प्रकार आपको नहीं रखना है। क्या कहा था मैंने अभी, कि जितने आधार में शून्य है उतने ही अंक होने चाहिए इसको इससे गुणा करने पर। तो कितना आया, 027। अब देखिए इसको क्या रखना है, 27 से रखना है, यानी 9 को 3 से गुणा किया, क्या आया, 27। अभी बात में 2 ही अंक रखने हैं आपको, रखने क्या है, 2 ही अंक, 27। तो इसको कैसे रखेंगे, 27, कैसे रखेंगे, 27। अभी बात समझ में, अब ध्यान देना, अब क्या करना है, ये आपके आगे भागफल के अंक, अब शेष फल 7 4 11 11 हासिल के 10 9 19 19 और 2 21, कितना आ गया, 211। आगे बात समझ। अब बात करते हैं कि जब हम भाग किसका दे रहे हैं, 97 का भाग दे रहे हैं, और भागफल आपके पास में आया 39 और शेष फल आया 211, लेकिन शेष फल भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शेष फल 211, जो कि भाजक 97 से क्या है, ज्यादा है, 97 से ज्यादा, यानी 97 का भाग अभी इसमें लग रहा है। तो अब करना क्या है आपको, इसमें 211 में 97 का भाग देना है, 211 में 97 का भाग देना है। तो 97 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 97 97, यानी कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो लास्ट में, 39 और ये क्या है आपका, शेष फल 211। चूंकि अब आप लिख दी, चूंकि शेष फल 211 भाजक 97 से अधिक है, भाजक 97 से क्या है, अधिक है, इसलिए 97 का भाग 211 में देने पर। अब कितनी बार जाएगा भाग, 97 का भाग 211 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 97 और 97 कितना हो जाता है, 194, तो इसमें से 194 में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 194 में क्या करना है, घटाना है आपको। आगे बात समझ। अब कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, वो 2 क्या करना है आपको, इधर प्लस ऐड करना है, 2 क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो 2 जब हम ऐड करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 2 8 39 प्लस 2
41, और शेष फलम कितना आ जाएगा 211 में से 154 में घटा लीजिए, 6 11 6 17। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, भागफल है 41 और शेष फल है 17। आगे बात समझ में, देख लीजिए, क्योंकि जो शेष फल है वह कभी भी भाजक से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 211 शेष फल है, वो भाजक से क्या अधिक है, तो इसमें और भाग जा रहा है 97 का, तो 97 का भाग कितनी बार गया इसमें, 2 बार गया, तो वो 2 इस भागफल में ऐड होगा, और 97 * 2 क्या 194, तो 211 माइनस 194 बराबर कितना आ गया 17। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, भागफल 41 और शेषफल 17। तो ये होता है सूत्र निखिलम से भाग, सूत्र निखिलम से भाग। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। भाग देना है सूत्र प्रावर्त्तीय योज्यत्व विधि से। अब देखिए सूत्र यहां पे ये जो भाग है वह आप निखिलम विधि से भी कर सकते हो, निखिलम विधि से भी ये भाग हो जाएगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इसको आपको सूत्र प्रावर्त्तीय योज्यत्व से ही करना है। अब सूत्र प्रावर्त्तीय योज्यत्व है क्या, अब बिल्कुल निखिलम जैसा ही प्रोसेस है। वहां पे निखिलम में हम क्या लेते थे, पूरक अंक लेते थे, भाजक का क्या लेते थे, पूरक अंक। जैसे 97 भाजक है तो उसका पूरक संख्या क्या होगी, 3 होगी, तो वहां पे हमने क्या लिया था, 3। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली देखना यहाँ पे भाजक संख्या आपकी क्या है, 97। आगे बात समझ, अब आपको निकालना है विचलन आधार पर, यहाँ पे आधार क्या है 100, आधार क्या है 100। अब आपको क्या करना है, इस भाजक संख्या के लिए विचलन निकालना है, तो विचलन निकालेंगे, विचलन क्या आएगा बताइए, संख्या माइनस आधार, 97 माइनस 100, विचलन क्या आएगा, माइनस का 0.3, या इसको आप ये भी लिखते हो विनकुलम, ऋणात्मक, तो यहाँ पे विचलन क्या है, ऋणात्मक। अब सूत्र क्या आपका, सूत्र प्रावर्त्य, यानी कि आपको परिवर्तन करना है, किसका, विचलन का परिवर्तन करना है, तो विचलन का चिन्ह। अब करना क्या है, परिवर्तन का मतलब क्या है, कि विचलन अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। विचलन का चिन्ह परिवर्तन करने पर विचलन क्या हो जाएगा, अभी ये विचलन क्या है, माइनस का 3, अब नेगेटिव है तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, 0.3। आगे बात समझ, अब सेम प्रोसेस है, आपको 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में यहां पे क्या लिखोगे आप, पहले भाजक, और इधर क्या लिखोगे, फिर विचलन, विचलन कितना है, नेगेटिव। अब यहां पे आपको लिखना है प्रावर्त्य, प्रावर्त्य यानी ये क्या हो गया, 0.3, यानी प्रावर्त्य यानी परिवर्तन करना है, किसका, विचलन का परिवर्तन करना है, कितना आया, 0.3। अब ये 0.3 आएगा भागफल से गुणा करके यहाँ पे लिखने के काम आएगा। अब तृतीय खंड में भाई कितने, 2 शून्य आधार में, तृतीय खंड में भी 2 अंक रखने हैं, तो यहाँ पे 20 में आ जाएगा 2 1 और इधर आ जाएगा 1 2। अब सेम प्रोसेस है निकलम जैसा ही, सीधा 2 को क्या करना है, यहाँ पे उतारना है, फिर ये 2 क्या करेगा, इससे गुणा करने का काम आएगा, 2 को इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0.6। अभी मैंने आपको बताया था आधार में 2 शून्य है, तो इसको जब भागफल को इस प्रावर्त्य से जब गुणा करते हैं तो क्या आना चाहिए, 2 अंक आने चाहिए। अभी इसको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसको क्या करना है, 0.6 करना है। यहाँ पर भी 0.3, यानी कि कितने रखने हैं अंक, कितने रखने हैं, 2 ही अंक रखने हैं, क्योंकि परिवर्तन करने पर जो विचलन है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको 2 अंक करने हैं, यानी 0.3 हम करने हैं। अब देखिए अगला, ये हो गया, अब इस सीधा प्रोसेस, यहाँ से इसको जोड़ना है, यहाँ पे ऐड कर दिया, अब 1 को क्या करना है, यहाँ से गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0.3। अब इनको ऐड कर दीजिए, 5 और ये 7, तो आपका भागफल क्या आ गया, भागफल आ गया 21 और आपका शेष फल क्या आ गया, 75। भागफल 21 और शेष फल आपका क्या आ गया, 75। क्लियर, तो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सूत्र प्रावर्त्य से क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15वां था भाई, क्वेश्चन नंबर 15 सूत्र प्रावर्त्य से। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या है, 133-85 भाग देना किसका, 131 का, 131 का आपको भाग देना है। तीन खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड। सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, 131 वाचक, और कितना 100 के आधार पर है तो आपको क्या करना है, दो अंक उधर रखने हैं बाकी के इधर रखने हैं, तो 133 और 85 इधर रखना है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, पहले विचलन, विचलन कितना है, 3 है, पॉजिटिव है, क्या करना है, प्रवृत्ति, तो विचलन क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। अगली बात समझ, हमने क्या कहा था, पहले आपको विचलन निकालना है, आधार क्या है 100, तो संख्या माइनस आधार, 131 माइनस 100 31, ये आया विचलन। अब क्या करना है, सूत्र कौन सा है, परावर्ति, यानी विचलन का चिन्ह परिवर्तन करना है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब प्रोसेस आपका क्या है, सबसे पहला वन यहाँ पे आपने लिख दिया, अब इस वन को क्या करना है, इससे गुणा करवाना है, क्या आएगा, 3 1, क्योंकि वन को इससे गुणा सेम आएगा। अब आपको इसको ऐड करना है, 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, 0। अब इसको आपको इससे गुणा करवाना है, तो 0 0, क्या आएगा, 0 0। अब यहाँ पे इसको ऐड करना है, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, क्या आएगा, 2। अब 2 को आपको क्या करना है, इससे गुणा करना है, तो 2 × 3 नेगेटिव है 6 नेगेटिव, 2 × 1 नेगेटिव है 2 नेगेटिव। आगे बात समझ, अब इनको जोड़ना है, तो 5 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, क्या बचेगा, 3 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, क्या बचेगा, 2 पॉजिटिव, तो भागफल आपका क्या आ गया, 102, और शेषफल आपका क्या आ गया, 23। भागफल 102, शेषफल 23। तो ये आपका है कौन से सूत्र से, सूत्र परावर्तीय योजित से भाग देना। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अगर किसी को भी कोई भी समस्या आए तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।